दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप और मैं आदिल। नाज़रीन, आपको पता होगा कि मुल्क भर में कल दिवाली मनाएगी बड़े जोश व खरोश के साथ, कश्मीर के कई हिस्सों में। इसी साथ जो शुमाली कश्मीर, ज़िला बांडीपोरा के गुरेज एरिया, बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे भी जो फौज ने वहाँ पे दिवाली मनाई। आज सुबह राणा बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर और जवान थे, वो आज बख्तौर गाँव में घर घर गए और लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की, लोगों को शुभकामनाएँ दी, दिवाली की शुभकामनाएँ दी। तो लोगों ने भी खुशी का इजहार किया, क्योंकि लोगों ने भी बाकी लोगों से जितने भी आने वाले फेस्टिवल्स हैं, चाहे भी ईद हो या कोई भी, उन्हें यही अपील की है कि आने वाले दिनों में आप फौज के साथ ये फेस्टिवल्स मनाएं, क्योंकि फौज घरों से बाहर होते हुए हमारी रक्षा के लिए हम बॉर्डर्स पे आते हैं और हमारे साथ दिवाली मनाते हैं। सरपंच कंजलवान, आज दिवाली का मुबारकबाद देता हूँ आर्मी को दिल की गहराइयों से, क्योंकि हर वक्त जो भी आर्मी का हमारे साथ रहना सहना है, इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर 20 जनरल का, कि हर वक्त ये कोई भी काम होगा, कोई भी बड़ा दिन होगा, याद करते हैं। इस याद करने में मैं पूरी पलटन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि आज मुल्क भर में दिवाली का जो ये दिन है सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे आज इंडियन आर्मी के राणा बटालियन ने ब्लॉक बख्तौर में भी इस दिन को सेलिब्रेट किया और यहाँ की आवाम ने भी इस दिन को सेलिब्रेट किया इंडियन आर्मी के साथ, और इंडियन आर्मी के जो अफसरान साहिबान थे वो घर घर गए, लोगों में मिठाइयाँ बांटी, बच्चों में मिठाइयाँ बांटी। यह इससे यही दर्स मिला कि हमें जो भी त्यौहार हो, चाहे हमारे ईदें दो हैं, चाहे हमारा ईद मिलादुन है, चाहे दशहरा, दिवाली, ऐसे त्यौहार हैं, तो हमें चाहे कि आपस में इन त्यौहारों को सेलिब्रेट किया जाए। और यहाँ की आवाम भी यही आशा करती है कि आने वाले दिनों में भी हमें ऐसे त्यौहारों में शामिल होना चाहिए, ताकि हमें हमारा और हमारी जो मुकामी यूनिट, जो भी हमारे आसपास जितने भी यूनिटें हैं, हमारा और उनका लेजान बरकरार रहे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।